श्रीलंका और मालदीव से पीएम मोदी की ग्रैंड वेलकम की ये तस्वीरें सामने आई तो सीमा पार चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई। श्रीलंका में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की, उनसे हाथ मिलाया, इसके बाद प्रवासी भारतीयों की जमकर तारीफ की। भारत का गौरव बढ़ाने में, भारत के प्रति दुनिया का सकारात्मक ख्याल तैयार करने में, विश्व में पहुंचे हुए जो भारतीय हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। दुनिया के कई देशों के महानुभावों से मिला और हर किसी ने उस देश में भारतीय कम्युनिटी का जो कंट्रीब्यूशन है, जो व्यवहार है, संस्कार है, उसका गौरवपूर्ण रूप से उल्लेख किया है। भारतीय समुदाय को संबोधित करने से पहले पीएम मोदी ने कोलंबो में श्रीलंका के विपक्षी नेता और पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे के साथ मीटिंग की, श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के साथ बैठक की, कोलंबो में स्थित राष्ट्रपति सचिवालय में पौधारोपण किया, कोलंबो के सेंट एंटनी चर्च में हुए सीरियल ब्लास्ट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और श्रीलंका को संदेश दिया कि पड़ोसी देश अगर संकट में है तो भारत हमेशा उसका साथ देगा। एक दिन पहले पीएम मोदी ने यही बड़ा संदेश मालदीव में भी दिया था। आतंकवादियों के न तो अपने बैंक होते हैं, न टंकशाल और न ही हथियारों की फैक्ट्री, कहां से पाते हैं ये सब, कौन देता है उन्हें ये सुविधाएं? आतंकवाद की स्टेट स्पॉन्सरशिप सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग अभी भी गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट का भेद करने की गलती कर रहे हैं। सबसे पहले मालदीव की बात। मालदीव ऐसा देश है जो भारत की सुरक्षा और स्ट्रेटजी के लिए बहुत जरूरी है। भारत मालदीव के साथ हिंद महासागर में नई रणनीति तैयार करना चाहता है। अब पीएम मोदी के श्रीलंका दौरे का मतलब भी समझिए। पीएम मोदी का ये श्रीलंका दौरा इसलिए खास है क्योंकि अप्रैल में श्रीलंका में हुए बम धमाकों के बाद पहली बार कोई राष्ट्राध्यक्ष श्रीलंका पहुंचा है। ऐसे में श्रीलंका चाहता है कि आतंकवाद से लड़ने में भारत उसकी मदद करे और भारत चाहता है कि समुद्री इलाके में चीन की घेराबंदी में श्रीलंका भारत की मदद करे। अब अगर मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भारत श्रीलंका की दोस्ती रंग लाई तो पड़ोसी देशों में चीन का असर कम हो सकता है और भारत को इसका फायदा एशिया का किंग बनने में मिल सकता है, जिससे भारत के विश्व गुरु बनने की राह भी आसान हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।